बढ़िया बात है यार, आने में तो मजा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? पूनम। आपका ये कौन सा गांव है? बीबीपुर। अच्छा, जो आपने घर के बाहर अपने पोस्टर लगाए मकान बेचे, किस कारण लगा दिए? इसीलिए लगाया कि भट्टा वाले रिंकू में बड़े परेशान करते हैं, पुलिस पकड़ ले जाती है तो सुनते भी नहीं, पुलिस नहीं सुनती है, उसी का पक्ष करती है। नहीं तो क्या चुनावी रंजिश चली आ रही क्या? जी, जिला पंचायत। कौन लड़ा था आपके घर से? हमारा देवर। क्या नाम था? प्रवीण। तो नहीं तो फिर क्या मारपीट कर दी, क्या हुआ? ये मारा मधवापुर चौराहे पे। नहीं, मधवापुर चौराहे पे मारा है। अरे माता जी, क्या नाम है आपका? ममता। कौन सा गांव है आपका? जी बीबीपुर। अच्छा, आपने जो घर के बाहर जो पोस्टर लगाए हैं कि मकान बेचने, किस कारण लगाए हैं ये? ये लड़ाई दंगे के बारे में लगाए हुए। किससे लड़ाई हो गई है? जे इधर नई लोगों से हुई है, जाटो लोगों से लड़ाई। नहीं तो क्या दिक्कत आ रही, पुलिस सुन नहीं रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अब नहीं, जैसे लड़ाई लड़ाई भाई है तो सुना, क्या हम बताएं भाई, सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है तो आपने उन मकान बेचने पोस्टर लगा दिए है? माता जी, क्या नाम है आपका? शांति देवी। कौन सा गांव है आपका? बीबीपुर। आपने पोस्टर लगाए मकान बेचने के लिए, किस कारण लगा दिए? इसलिए कि हमें भट्टा वाले रिंकू परेशान करते हैं। क्यों? यह मेरा लड़का जिला पंचायत में खड़ा हुआ, इसलिए, और मेरे घर पे आके लूट मार भी कर ले गए, हमको भी मारा, हमारे लड़के को भी मारा घुस के। चुनावी रंजिश मानते हैं? हाँ, चुनाव की रंजिश में। तो मेरी दरखास्त वो लगी है, मुकदमा है। कितने बार मरवा चुके हैं? कितने बार मरवा चुके हैं? वो दो तीन बार अभी थाने मरवाया, उसी ने मरवाया। कितने दिन पहले मरवाया? कितने दिन हुए? 31 है ये तारीख, हमको नहीं मा 31 तारीख की रात में। हाँ, 29 की दीपावली थी, ऐसे में हमारा एयरफेयर है, तारीख में पड़े हैं नहीं। मतलब उन्होंने मारपीट की आपके घर में? हाँ, घर में घुस के, और 2000 रुपए भी ले गए। मतलब जो मैंने चुनाव के लिए रुपए इकट्ठे किया था, 10 लाख, वो माल चीजें पर सब कुछ ले। मतलब कमल थाना पुलिस सुन नहीं रही आपकी? नहीं सुन रही। किसी किसका पक्ष ले रही है? उन्हीं का पक्ष, उनकी चलती, वो साथ थाने का मालिक है, उसकी वो दलाली करता है। अच्छा, उसी की चल रही है? हाँ, उसी की चलती। मैं तो अभी भी, मतलब आपने इसीलिए मकान बेचने पोस्टर लगा दिया? हम कैसे रह पाएंगे, किसी वो जाट भी लड़ाया, उसकी मदद उसने की झूठी। मतलब पुलिस क्या करी, कमल थाना पुलिस कुछ नहीं करी? मतलब आप जाती तो क्या कह देती है? सुनती ही नहीं है। नहीं, भगा देती है क्या? और क्या, भगाते देती है। अच्छा, भगा दिया आपको? और का कई बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ थाने 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 में, अब तो 2 बार दे चुके हैं। पुलिस ने क्या किया, बंद किया? कितने बंद किया? 2 पार्टी को चुरा के हमसे भगा दिया। भागो तुम दरवाजे, तुम घेरे बैठे रह गए 11 बजे के लिए, और बाद में यहाँ उसको निकाल दिया जिससे मेरा झगड़ा हुआ। मारपीट में क्या लूटा था आपके साथ? बात देखो, कंगन, बेंदा, 2 जोड़ी तोड़ियाँ। कौन था लूटने वाला? अब उनका तो नाम सब लिखे ही हैं। ना फिर मारपीट करने वाले कितने लोग थे आपके साथ? मारपीट जो हुई है 8-9 लोग मारपीट करके चले गए? हाँ। मतलब पुलिस आपकी सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही। अच्छा, आपने कमाल थाने के अलावा पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया है? हाँ। पुलिस को, अधीक्षक को या डीएम को? अभी नहीं दी हमने, अभी तो अभी सुनवाई ना, जो चल रहा है वो का कराना, इसमें तो अभी तो खुला ही है। अच्छा, अगर आपकी समस्या दूर ना करी गई तो फिर क्या करें, मकान बेच के चली जाएंगे आप लोग? अब जो कुछ हमें दिखाएगा वो करेंगे। हाँ, दुखी हैं। आपके लड़के क्या नाम था? जिला पंचायत चुनाव लड़ा था वो, प्रवीण। प्रवीण नाम? हाँ। था। संज्ञान में आया है कि ग्राम बीबीपुर थाना कमालगंज के प्रवीण उर्फ त्यागी ने जिला पंचायत चुनाव अपने प्रतिपक्षी रिंकू कटियार के विरुद्ध लड़ा था, जिसके संबंध में उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पे आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच थाना कमालगंज के
उप निरीक्षक अमित कुमार द्वारा की गई थी, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने अपने घर के सामने एक विवादित पोस्टर आदि लगाया था। मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना कमालगंज को मौके पर भेजा गया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा प्रवीण उर्फ त्यागी को प्रार्थना पत्र के संबंध में, जांच के संबंध में भलीभांति जानकारी दे दी गई है। प्रवीण और उनके परिजनों के द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाने पर विवादित पोस्टर को अपने घर से हटा दिया गया है और इस समय वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई है।